हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं करने वाली हूँ अपने लिविंग रूम का मेकओवर। आज जो मैं मेकओवर करने वाली हूँ वो एक एक्सट्रीम मेकओवर होगा। आज के बाद हमारे लिविंग रूम में हर चीज़ बदल जाएगी, हर चीज़ चेंज हो जाएगी, बिल्कुल बदल जाएगा हमारा लिविंग रूम। और सबसे ख़ास बात जो इस मेकओवर में होने वाली है वो होगी, जो हमारा ओल्ड सोफ़ा है उसका बिना स्टिच किए मैं फैब्रिक चेंज करने वाली हूँ। बिल्कुल इस बोरिंग से ओल्ड सोफ़े को मैं एक न्यू सोफ़े में चेंज करने वाली हूँ, वो भी जस्ट 2-3 मिनट में। अगर आपके घर पर भी कोई ओल्ड सोफ़ा है वो ख़राब हो चुका है, उसका लेदर, उसका फैब्रिक ख़राब हो चुका है, तो फिर आज की वीडियो आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल हो सकती है। अगर आपके सोफ़े की कंडीशन अच्छी भी हो या फिर आपका सोफ़ा भी न्यू ही हो तो भी आप इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि लगातार एक ही कलर रहे तो हम उससे बोर होने लगते हैं। इस तरीके से हम जब भी चाहें, जिस कलर में चाहें या फिर जिस भी डिज़ाइन में चाहें, हम अपने सोफ़े को चेंज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब भी आप इस कलर से बोर हो जाएं, आपका जो असल में सोफ़ा हो आप उसे फिर से निकाल सकते हैं। हम भी इस सोफ़े को फेंक कर न्यू सोफ़ा लेने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन न्यू सोफ़ा लेने में हमें जस्ट एक ही प्रॉब्लम थी कि हमारे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, वो सारा दिन इसी सोफ़ा पर बैठते हैं, सोफ़े पर वो खेलते हैं, और मना करने के बाद भी बच्चे थोड़ा बहुत सोफ़े पर खा पी भी लेते हैं और गिरा भी देते हैं, जिसकी वजह से हमें सोफ़े को बार बार वॉश करना पड़ता है। इसीलिए हमने सोचा अगर हम अभी न्यू सोफ़ा लेते हैं तो वो भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। आपको दूर से तो इस सोफ़े की कंडीशन ठीक ठाक लग रही होगी, लेकिन पास से देखने पर आप देखेंगे इसकी साइड पर जो लेदर है वो ख़राब हो चुकी है। असल में बच्चों ने इस पर खिलौने चला चला के इस लेदर को फाड़ दिया है, और बीच में जो फैब्रिक की सिलाई लगी हुई है वो भी 2-3 जगह पर उसकी सिलाई खुल चुकी है, क्योंकि बार बार इसे वॉश किया जाता था। सोफ़े की कंडीशन दिखाने के बाद अब मैं आपको जो सोफ़े के पीछे वाली वॉल है वो दिखा रही हूँ। इस पर कलर तो वाइट है लेकिन अब काफ़ी गंदा हो चुका है, क्योंकि ये सोफ़े के बिल्कुल पास पड़ती है और सारा दिन बच्चों के टच में रहती है। और वॉल की ऊपर की साइड कुछ नेल भी लगे हुए हैं, जहाँ पर मैंने पहले से कुछ फ़ोटो हैंग की हुई थी, अभी मैंने उन्हें उतार दिया है। अब जो मैं आपको दूसरी साइड की वॉल दिखा रही हूँ, आपने देख लिया हमारा सोफ़ा एल शेप है और दोनों साइड से हमारा सोफ़ा जो है वॉल उस बिल्कुल उसके पास लगा हुआ है। ये भी वॉल सारा दिन टच में रहने के कारण नीचे से काफ़ी गंदी हो चुकी है, इसीलिए पहले मैं दोनों वॉल्स को साफ़ कर लूँगी, फिर बड़ी वाली वॉल जो है उस पर मैं वाइट पेंट करूँगी। मुझे अपने लिविंग रूम की सभी वॉल्स वाइट ही चाहिए, इसीलिए जो बड़ी वाली वॉल है उस पर मैं वाइट पेंट करूंगी, और जो छोटी वाली वॉल है जो आप सामने देख रहे हैं इसे मैं एक ब्रिक वॉल में चेंज करने वाली हूं। उसके लिए मैंने अमेजोन से पीवीसी फोम शीट्स मंगवाई हुई है। ये शीट्स भी वाइट कलर में ही है, क्योंकि मुझे अपने लिविंग रूम की सभी वॉल्स वाइट कलर में ही चाहिए। ये एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है एक सिंपल वॉल को एक ब्रिक वॉल में चेंज करने के लिए। इन शीट्स को मैं वॉल पर लगा दूंगी, लेकिन आपके साथ मैं एक अलग वीडियो में शेयर करूंगी कि इसको किस तरीके से वॉल पर लगाया जाता है। मेरे से वैसे जहां पर एक गलती हो गई थी इसे लगाते टाइम, इसीलिए मैं आपके साथ एक डिटेल में वीडियो शेयर करूंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि इन शीट्स को लगाने का सही तरीका क्या होता है, किस तरीके से हम लगा सकते हैं। तो जहाँ पर मैं सारी शीट्स को लगा चुकी हूँ तो आप देख सकते हैं मेरी वॉल एकदम से चेंज हो चुकी है, एकदम उसकी न्यू लुक आ चुकी है। दूसरी वॉल पर भी वाइट पेंट हो चुका है, उसके बाद मुझे जो भी वॉल पर नेल्स लगाने हैं मैं वो लगा लूँगी। दोनों साइड्स की वॉल का काम होने के बाद अब नीचे बारी आती है सफाई की। इसके बाद बारी आती है डेकोरेशन की। अब मैं सामने वाली वॉल जो बड़ी वाली वॉल है उस पर लगा रही हूँ। ये भी मैंने अमेजोन से मंगाई हुई है पेंटिंग, ये 5 का सेट है, इन 5ों को मैं सेट करूँगी वॉल पर। अब दूसरी वॉल पर पहले भी जहाँ पर बच्चों की फ़ोटो लगी हुई थी, अब भी मुझे जहाँ पर बच्चों की फ़ोटो लगानी है वो फ़ोटो लगा दूंगी। उसके नीचे मैं एक छोटी सी बास्केट हैंग करूंगी, और बास्केट के बीच मैं हैंग कर रही हूँ आर्टिफिशियल मनी प्लांट्स, इन्हें भी मैंने ऑनलाइन ही खरीदा है। Side. I don't wanna waste what's left.
वॉल्स की डेकोरेशन के बाद बारी आती है सोफे के मेकओवर की। सोफे के लिए मैंने अमेजोन से कवर मंगवाया है। आप सोफे के लिए इस तरीके का कवर खरीद सकते हैं। ये कवर बहुत ही बढ़िया होता है, इसका जो कपड़ा होता है बहुत ही बढ़िया स्ट्रेचेबल कपड़ा होता है। इसमें आप कोई भी कलर कोई भी डिज़ाइन चूज कर सकते हैं। इसकी फिटिंग बहुत बढ़िया आती है स्ट्रेचेबल होने के कारण। इस पर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी कि इसको सोफे पर किस तरीके से डाला जाता है, किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, इसके साथ क्या क्या आता है, वो सब मैं डिटेल में एक अलग वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। क्योंकि आज मैं अगर सारा बताती तो वीडियो बहुत लंबी होने वाली थी। तो मैंने दोनों साइड्स के सोफे पर मुझे दो कवर मंगवाने पड़े थे, वो दोनों डाल दिए। तो कैसा लगा आपको सोफे का मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन? इसके बाद बारी आती है कारपेट की, जो मेरी सबसे फेवरेट चीज़ है। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा डिज़ाइन और बहुत ही प्यारा कलर कॉम्बिनेशन और टच करने में बहुत ही सॉफ्ट है। इसके ऊपर मैं रख रही हूँ सेंटर टेबल और इसके बाद मैं करूँगी साइड पर, सोफे की साइड पर प्लांट रखूँगी, क्योंकि विदाउट ग्रीनरी कोई भी मेकओवर मेरा कंप्लीट हो ही नहीं सकता। पीछे मैं दो प्लांट रख रही हूँ जिनके पॉट वाइट है, और आगे मैं एक रेड पॉट में प्लांट रखूँगी। इस रेड पॉट की दोनों साइड पर मैं वाइट केज रखने वाली हूँ, उसके ऊपर मैं LED लाइट लगा रही हूँ। मैं एक बात आपको मेंशन करना ही भूल गई, जो हमारे पहले से कर्टन लगे हुए हैं वो गोल्डन कलर में है, तो मैं अब भी वही कर्टन यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि गोल्डन कलर मेरे थीम के साथ बिल्कुल मैच करता है, इसीलिए मैं वही ओल्ड कर्टन ही यूज़ करूँगी। दूसरी साइड सोफे के मैं एक DIY फ्लोर लैम्प रखूँगी पहले, उसके आगे मैं फिर से एक ग्रीन प्लांट रखूँगी। सोफे के ऊपर मैं गोल्डन कलर के कुशन रखने वाली हूँ। इन कुशन कवर के ऊपर बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर का वर्क हुआ है। अब मैं सेंटर टेबल को डेकोरेट करूंगी। इसे डेकोरेट करने के लिए सबसे पहले मैं इसके ऊपर राउंड में मिरर ट्रे रखूंगी। ट्रे के बीच में एक DIY बॉटल रख रही हूँ, जिसके बीच मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर डाले हैं। इसके पास मैं एक आर्टिफिशियल ग्रीन प्लांट रखूंगी और इसी के साथ एक मैं कैंडल होल्डर रखूंगी। बस मुझे सेंटर टेबल को जस्ट इतना ही डेकोरेट करना है। जहाँ पर मैं भूल गई थी, जो मेरे पास गोल्डन कलर में टेबल मैट है, मैं इसे पहले नीचे रखूँगी, इसके ऊपर मैं ट्रे रखूँगी। तो चलिए फिर मेकओवर होने के बाद देख लेते हैं हम फाइनल लुक। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. Turns to sun rays and on we
through the sun rays and the तो है ना दोस्तों, सब कुछ चेंज हो चुका हमारे लिविंग रूम में, हर चीज़ चेंज हो चुकी है। मुझे तो बहुत प्यारा लगा हमारा लिविंग रूम, जो मेकओवर बहुत प्यारा लगा। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।